लखीमपुर मंडी समिति में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी की बर्खास्तगी को लेकर किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों का 3 दिवसीय धरना प्रारंभ। बड़ी संख्या में किसान अभी भी पहुंच रहे हैं। किसानों के खाने पीने के लिए कई जगह लंगर की व्यवस्था भी की गई है। मंच से बोले राकेश टिकैत, LIU के लोग यहाँ के जिला प्रशासन को बता दें कि 1 घंटे के अंदर पानी व शौचालय की व्यवस्था मुकम्मल करा दें, वरना हम व्यवस्था करवाना जानते हैं। यूपी के सभी कलेक्ट्रेट बंद करा देंगे। मंच से राकेश टिकैत ने दी चेतावनी कि अपना दिमाग ठीक कर लें प्रशासन के लोग। SKM नेता योगेंद्र यादव का बड़ा बयान, टैनी की बर्खास्तगी को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की मांगों को अनसुना कर रही है सरकार। सरकार पूरी तरह से गुंडागर्दी पर आमादा है। राजापुर मंडी में किसानों का 75 घंटे का धरना जारी। राकेश टिकैत के अल्टीमेटम का असर, मंडी परिसर पहुंचने लगे मोबाइल, शौचालय व स्नान घर। खीरी महेंद्र बहादुर सिंह ने किया मंडी परिसर का दौरा। दिमाग अपने ठीक करके बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे जाने। यहाँ का प्रशासन अपने दिमाग ठीक करके ये काम कर ले, यहाँ शौचालय और पानी की व्यवस्था करवा दे, और नहीं तो जिला मुख्यालय वहां पे भी है, जितने दिन यहाँ पे धरना चलेगा जिला मुख्यालय वहां के भी बंद रहेंगे सब जगह के। यहाँ LIU के लोग, अधिकारी कोई हो तो एक बार यहाँ पे मंच पर आ जाए। 75 घंटे यहाँ पर हमको रहना है। अगर नहीं सुविधा दोगे तो सुविधा हम लेना जानते हैं कि सुविधा कैसे ली जाती है। अपना दिमाग ठीक कर ले प्रशासन और यहाँ की सरकारें, मतलब उनके कहने से आप काम करोगे कि उनको पानी नहीं देना, वहां पे कोई सुविधा नहीं देनी। 1 घंटे का समय है, नहीं तो 1 घंटे बाद में जिला मुख्यालय पे जो लोग यहाँ नहीं आ रहे वे जिला मुख्यालय पे जाएंगे और 3 दिन तक वहीं रहेंगे वे सब लोग। यहाँ का जो LIU के लोग हैं बयान कर एक बार जवाब दे दे हमको, प्रशासन क्या चाहता है। पानी हम लेना जानते हैं, कैसे पानी मिलता है। धन्यवाद जी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।